देवरी नगर सहित पूरे क्षेत्र में सोमवार को विघ्नहर्ता भगवान गणेश की स्थापना धूमधाम से की गई। सुबह से ही मूर्तिकारों के पास लोग प्रतिमाएं लेने पहुंच गए। पूरे दिन प्रतिमाओं को ले जाने का तांता लगा रहा। गणेश प्रतिमा कुछ लोग सिर पर रखकर ले गए तो कोई दो पहिया व चार पहिया वाहनों से प्रतिमाओं को ले जाते रहे। इस दौरान बाजार में भारी भीड़ रही। ग्रामीण अंचलों से प्रतिमा खरीदने के लिए नगर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तथा स्थापना करने अपने अपने साधनों से प्रतिमाएं ले गए। इस दौरान बाजार में पूजन सामग्री सहित साज श्रृंगार की सामग्री की खासी बिक्री हुई। दुकानों में एक से बढ़कर एक मालाएं तथा हारों की बिक्री होती रही। पवित्र नगरी सहित पूरे क्षेत्र में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की स्थापना धूमधाम से की गई। सुबह से ही मूर्तिकारों के पास लोग प्रतिमा खरीदने पहुंच गए तथा पूरे दिन प्रतिमाओं को ले जाने का तांता लगा रहा। गणेश प्रतिमाएं कुछ लोग सिर पर रखकर ले गए तो कोई दो पहिया व चार पहिया वाहनों से प्रतिमाओं को ले जाते रहे। इस दौरान बाजार में खासी भीड़ नजर आई। ग्रामीण अंचलों से प्रतिमा खरीदने के लिए नगर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तथा स्थापना करने अपने अपने साधनों से प्रतिमाएं ले गए। इस दौरान बाजार में पूजन सामग्री सहित साज श्रृंगार की सामग्री की खासी बिक्री हुई। दुकानों में एक से बढ़कर एक मालाएं तथा हारों की बिक्री होती रही। वहीं पंडाल सजाने से लेकर घरों में डेकोरेशन के लिए भी लोग साज सामान ले जाते रहे। बाजार में चाइना के भी बल्ब तथा सीरीज की खासी बिक्री हुई जो प्रतिमाओं के आसपास सजाई गई। वहीं पंडाल सजाने से लेकर घरों में डेकोरेशन के लिए भी लोग साज सामान ले जाते रहे। यहाँ हम आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति भी नगर में इस वर्ष भगवान गणेश की मूर्तियां लेने के लिए तांता लगा रहा, जिससे क्षेत्र के दूर दराज के इलाके की आए हुए लोगों ने सुबह से ही बाजार में मूर्तियां ली। इसी कड़ी में हर वर्ष की भांति वितरित होने वाली मूर्तियां स्वर्गीय लक्ष्मी चंद जैन की स्मृति में मूर्तियां निःशुल्क वितरित की गयी। इसमें क्षेत्र के करीब 50 गांवों से आए लोगों की लाइन लगी रही। इस दौरान 51 मूर्तियां निःशुल्क वितरित की गयी। वहीं इसी दौरान लोग गाजे बाजे के साथ अपनी मूर्तियां ले जाते हुए नजर आए। SGN न्यूज के लिए देवरी से राकेश यादव की रिपोर्ट। स्वर्गीय श्रीमती त्रिवेणी लक्ष्मीचंद सेवा न्यास नगर में और क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक और पर्यावरण के संरक्षण के लिए वाचनालय ऐसे कार्यक्रम चला रहा है। युवा व्यवसायी श्री अलकेश जी जैन के द्वारा इनके ओन प्रतिमाएं प्रतिवर्ष ग्रामों में वितरण की जाती हैं। उसका उद्देश्य ये है कि गाँव में भी जो राजनीति के कारण और पाश्चात्य शैली के कारण विवाद हैं वो समाप्त हों और गाँव के लोग धार्मिक भावना से उत्प्रेरित होकर कार्यक्रमों को मनाएं, जिससे गांव में सद्भावना बढ़े। ये अपना लगातार 11 वर्षों से गणेश प्रतिमाएं स्थापना का कार्य चल रहा है और हमारी समिति स्वर्गीय त्रिवेणी लक्ष्मीचंद जैन सेवा समिति के संचालक अलकेश जैन द्वारा लगातार 11 वर्षों से प्रतिमाओं की स्थापना कराई जा रही है और इसमें उनका उद्देश्य है कि धार्मिक क्षेत्र में जिस गांव में प्रतिमाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और जो लेने में असमर्थ हैं उनके लिए विशेष तौर से 51 गांव में अलग अलग स्थानों पे 51 प्रतिमाओं की स्थापना कराते हैं। लगभग कितने वर्ष हो गए भाई? ये 11 वर्ष हो गए लगातार। क्या